संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं कुछ कुछ जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमारी वीडियो सहायक रह रही होंगी। यही आशा के द्वारा हम आपको धीरे धीरे वीडियो देते रहते हैं, लेकिन कम दे पा रहे हैं ये हम बहुत बार कह चुके हैं। वेदांत सार हम अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत सार में 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद वेदांत सार संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि लाइव के माध्यम से जो हम वीडियो समाप्त करते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनके 10 साल तक के जो प्रश्न पत्रों में आए हैं हम उनको छांट छांट करके एकत्रित कर रहे हैं। एक जगह वेदांत सार को अलग किया है, भाषा विज्ञान को अलग किया है, सारे विषयों को अलग अलग करके उनको प्रश्न लिखे जा रहे हैं और उसको हम लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लाइव के माध्यम से इसलिए है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर आप देंगे, तो जिससे कि आपकी भी तैयारी होती चली जाए। दूसरा कि उसकी व्याख्या, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या हम अच्छे से कर दें और ये भी बता दें कि हमने इसको बताया है या नहीं बताया। नहीं बताया हो, हमारी वीडियो में ना आया होगा, तो हम उससे संबंधित जो भी विषय रह गया हो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और ये हमारा कार्यक्रम जिंदगी भर लागू रहेगा। जब तक कोशिश की जाएगी तब तक रहेगा एक एक विषय को, और धीरे धीरे लाइव सेशन बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे हमारा कोर्स समाप्त होता चला जाएगा हम लाइव सेशन को बढ़ाते चले जाएंगे और जिस दिन समाप्त हो जाएगा संपूर्ण फिर हम लाइव ही अध्ययन कराया करेंगे। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत ही कमी है, ना तो इसमें एडिटिंग किया जाता है, ना हमारे पास कोई व्यवस्था है, हम सीधे सीधे आप तक पहुंचाते हैं जैसे तैसे। पैसे का अभाव होने के कारण पैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आते चले जाएंगे, यही व्यवस्था देते चले जाएंगे। खैर, बहुत बड़ा विषय हो जाता है। आज हम वेदांत सार में जो हमने तत्त्वमसि महावाक्य के बारे में थोड़े से पद यानी तत् और त्वम पद के बारे में जाना था, आज तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ को जानने के लिए यहां पर प्रस्तुत हुए हैं और उसको जानने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। यदि आपने ये जान लिया आज का जो वीडियो है, तो मान के चलिए कि आपने संपूर्ण वेदांत सार को जान लिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये हिस्सा जो है थोड़ा सा कठिन है और इसमें से ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें कि इसमें से प्रश्न ना आते हों। तो सीधे चलते हैं हम तत्त्वमसि, ठीक है ना, ये महावाक्य है, इसको याद रखना, ये बहुत आ जाता है, महावाक्य है और इसके तत्त्वमसि के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो तत्त्वमसि में बोला गया इदम् तत्त्वमसि वाक्यम संबंध त्रेणखंड बोधकम भवति। जानते चलें, अगर इसने आपको ये जान लिया तो आगे वाली चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। इदम, यह तत्त्वमसि वाक्य, तत्त्वमसि जो वाक्य है वो संबंध त्रिण अर्थात तीन संबंधों से या तीन संबंधों के द्वारा, तत्त्वमसि वाक्य तीन संबंधों के द्वारा अखंड के अर्थ का बोधक बनता है। तत्त्वमसि वाक्य तीन संबंधों के द्वारा उस अखंड का, अखंड के अर्थ का, अखंडार्थ मतलब अखंड के अर्थ का बोधक होता है, ठीक है। अब यहां पर ये आ जाता है कि अखंड क्या है, तो अखंड जो है निर्गुण ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है, निर्गुण ब्रह्म के लिए अखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निर्गुण ब्रह्म के अर्थ के बोधक के लिए तत्त्वमसि वाक्य का प्रयोग किया जाता है और तत्त्वमसि वाक्य तीन संबंधों के द्वारा, ये प्रश्न आया है इस बार, अगर आपने परीक्षा दी होगी किसी न किसी ने तो देखना
ये पूछा है तत्त्वमसि वाक् कितने संबंधों के द्वारा अखंडार्थ का बोध कराता है, तो ये तीन संबंध याद रखना, तीन संबंधों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का बोध कराता है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब बात आती है कि तीन संबंध हैं कौन कौन से। तो तत्त्वमसि के जो तीन संबंध हैं, यहां पर यहां मैं दर्शाई देता हूं इसको, खंड का निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, इसको याद रखना है। तीन संबंध हैं, ये तीन संबंधों के द्वारा ही आप सबको जान सकते हैं, एक दो और तीन। इसमें बोला गया है संबंध त्रियम नाम, ठीक है, संबंध त्रियम नाम, संबंध त्रिय नाम, त्रियम नहीं त्रय, ठीक है। अब कौन कौन से हैं त्रय नाम, प्रथम है पदयो सामान्य धिकरण्यम, एक तो ही हो गया, दूसरा हो गया पदार्थयो विशेषण विशेष भावा, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रत्यग आत्म पदार्थयो लक्ष्य लक्षणों भावश्चेति। प्रत्येक यहां से अब एक तरफ से थोड़ा सा समझते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके, संबंध त्रियम नाम पदयो सामानाधिकरण्यम, सामाना सामानाधिकरण्यम पदार्थयो विशेषण विशेष भावा प्रत्यग आत्म पदार्थयो लक्ष्य लक्षण भावश्चेति, अर्थात पद में दूसरा है पदार्थ अर्थात वाच्यार्थ में, पद के वाच्यार्थ में, दूसरा है प्रत्येक आत्मा और पद के वाच्यार्थ में, पद में सामानाधिकरण्य संबंध के द्वारा। अब यहां पर बस समझते चलना है, अब तक तो मैंने लिखा था वो आप किताब से भी देख सकते हैं, हो सकता है इसमें कभी गलती हो जाती है तो मैंने एक बताया आपको, यदि कोई गलती हो जाए तो आप किताब के माध्यम से उसको कमेंट में सही करने का प्रयास कर दिया करें। कभी कभी ऐसा होता है हमारी समझ में नहीं आती, कुछ चीजें निकल जाती हैं, उसको हम एडिट वगैरह तो नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, इतना टाइम भी नहीं हमारे पास, हम जानते भी नहीं एडिट करना ज्यादा। तो किसी व्यक्ति का मेरा ये उद्देश्य है, किसी को जिसमें जिस क्षेत्र में जानकारी है और इसमें लग रहा है कि आपको गलत है, तो गलत कमेंट करने की बजाय आप उसको सही करने का अगर प्रयास करेंगे तो जो छात्र पढ़ते हैं, जो व्यक्ति पढ़ते हैं, उनको बड़ा ही लाभ होगा और हमें भी बड़ा ही महसूस अच्छा महसूस होगा कि कुछ लोग हैं जो संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाने का कार्यक्रम जारी करे हुए हैं। तो इसी तरह से हम इसमें लिखने का भी प्रयास करते हैं जिससे कि जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं उनको लाभ मिल सके।
तो इस कह रहे हैं कि पदयो सामानाधिकरण्यम, यानी कि पदों में सामानाधिकरण के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म के अर्थ का ज्ञान कराता है। कौन? तत्त्वमसी। दूसरा जो तत्त्वमसी शब्द है, वाक्य है, वो पदार्थ यानी पद के वाच्यार्थ में विशेषण विशेष भाव के माध्यम से यानी इसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म का भी ज्ञान कराता है। तीसरा है प्रत्येक आत्मा और पद के वाच्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध के द्वारा भी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराता है। ये तीन माध्यम हैं। तत्त्वमसी वाक्य एक ही है लेकिन तीन प्रकार से यानी तीन संबंध के द्वारा, पद संबंध के द्वारा, पदार्थ संबंध के द्वारा, प्रत्येक आत्मा और पदार्थ संबंध के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराता है। इतनी बात आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब समझ में नहीं आती कि ये पद में सामानाधिकरण है क्या चीज। जब आप विशेषण विशेष भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, ये दोनों सामानाधिकरण और विशेषण विशेष भाव जब आप समास का अध्ययन करेंगे तो वहां बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ये दोनों चीज समझ में आ जाए। लक्ष्य लक्षण भाव जो है वो अविधा लक्षण व्यंजना, मैंने बहुत बार बताया आपको, अविधा वाच्यार्थ होता है, लक्षणा लक्ष्य, और व्यंजना जो होती है वो व्यंग से संबंधित होती है। तो यहां पर लक्ष्य लक्षण यानी कि लक्षणा शक्ति के द्वारा इन संबंध को प्रत्येक आत्मा और पद के वाच्यार्थ में दोनों में संबंध बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो पहला हम इसको ले लेते हैं पद में, यानी कि पद को देखना है। पद में समान अधिकरण के द्वारा तत्त्वमसी वाक्य के पद में, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म के अर्थ को समझाया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक उदाहरण जो दे रखा है वह लौकिक उदाहरण के द्वारा, मैंने बताया था आपको पहले लौकिक उदाहरण दिया जाएगा। जितने भी दर्शन हैं, जितने भी व्याकरण हैं, जो भी शास्त्र हैं, उनमें पहले व्यवहार की चीजें दी जाती है, उसके बाद में फिर उसको सिद्ध किया जाता है कि इससे ऐसा ही तात्पर्य इसका है। तो इसमें जो दिया है सो अयम देवदत्ता, ठीक है, ये उदाहरण दिया है और आपने तो सभी ने पढ़ाई होगा। तो इस उदाहरण के द्वारा तत्त्वमसी वाक्य को भी सिद्ध किया गया है, पहली बात। दूसरी चीज, अब हम पहले सामानाधिकरण को थोड़ा सा जान लें कि सामानाधिकरण है क्या। सामानाधिकरण के बारे में बोला गया है कि वह शब्द जो प्रवृत्ति निमित्त हो, प्रवृत्ति निमित्त होने से यानी प्रवृत्ति निमित्त क्या है, कोई शब्द है प्रवृत्ति निमित्त बोला जाता, कोई भी शब्द प्रवृत्ति निमित्त शब्द, प्रवृत्ति निमित्त शब्द होता है जो अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्द जब प्रवृत्ति निमित्त शब्द, याद रखना प्रवृत्ति निमित्त शब्द दो या दो से अधिक हो लेकिन उनका जो तात्पर्य हो वो एक ही हो, वो शब्द सामानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया प्रवृत्ति निमित्त का मतलब, जैसे शुक्ला पटा, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो लेकिन आपको अगर समझ में आ गया तो फिर ये जीवन में नहीं बोलेंगे, शुक्ला पटा। तो इसमें दो शब्द हैं, शुक्ल है पट है, यानी कि दोनों का अगर देखा जाए तो क्या है, सफेद पट इसका रूप हो गया। तो शुक्ल का जो शब्द है वो शुक्लत्व को दर्शाता है, पट है वो पटत्व के द्वारा यानी पटत्व के प्रवृत्ति निमित्त है, पट पटत्व, शुक्ल शुक्लत्व, ये दोनों अपने अपने में ही यानी भिन्न अर्थ को ही दर्शाते हैं लेकिन दोनों मिलकर के पटत्व और शुक्लत्व यानी पट और शुक्ल मिलकर के पटरूप के लिए तात्पर्य को पूर्ण कर देते हैं, अर्थात पटरूप उससे पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है कि पटरूप के लिए शुक्ल और पट दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से यहां पर जो सह और अयम है, सह और अयम ये दो शब्द हैं, सह शब्द जो प्रयोग किया गया है ये दोनों देवदत्त के लिए प्रयोग किए गए, ये तो कंफर्म है, ये तो पता ही है कि सह और अयम का तात्पर्य देवदत्त से ही है। तो तात्पर्य होने से तो सामान्य अधिकरण हो गया लेकिन अब कैसे पता करेंगे कि प्रवृत्ति निमित्त है कि नहीं। प्रवृत्ति निमित्त का सीधा तात्पर्य है अलग अलग अर्थों में प्रयोग होना, जो भी शब्द हैं, जैसे सा शब्द है वो देवदत्त के लिए प्रयोग तो है लेकिन वो अलग में प्रयोग कब, इसमें प्रयोग किया गया है इन शब्दों के लिए
तत्काल विशिष्ट देवदत्त सहशब्दस्य, संस्कृत बताने की यहां जरूरत नहीं है लेकिन बता ही देता हूं मैं, तत्काल यानी कि उस समय यानी भूतकाल, भूतकाल में जो देवदत्त है उसके लिए सा शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ए तत्काल विशिष्ट देवदस्य देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य, यानी कि वर्तमान काल में, वर्तमान काल में जो देवदत्त का वाचक है वो अयम शब्द है। तो ये भूतकाल, इसे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है और ये वर्तमान के लिए, ठीक है। तो अयम शब्द वर्तमान और सह शब्द भूतकाल के लिए प्रवृत्ति निमित्त है, लेकिन जैसे ही इन दोनों का जो तात्पर्य निकाला जाएगा तो वो तात्पर्य क्या है, देवदत्त है, अर्थात इन दोनों के द्वारा देवदत्त को ही बताया जा रहा है कि सा अयम देवदत्ता के, यह वही देवदत्त है, वह यही देवदत्त है। इस तरह से दोनों अर्थ निकाल सकते हैं। जो हमें कल झांसी में मिला था आज वाराणसी में मिला है, तो यह वही देवदत्त है जो झांसी में मिला था। तो भूतकाल और वर्तमान काल के प्रवृत्ति निमित्त शब्दों के द्वारा देवदत्त से तात्पर्य होने के कारण समान अधिकरण है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज इसमें एक और बताता चलूं, कुछ विद्वानों ने ऐसा ही माना है, अधिकरण का मतलब होता है आधार अधिकरण, यानी जिसका आधार एक हो उसको भी अधिकरण कह देते हैं। तो समान जिसका आधार हो, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों के जो आधार है वो देवदत्त है, ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरी बात बताई गई है कि विभक्ति एक होने से भी समान अधिकरण का भी प्रयोग किया जाता है। तो सह और अयम जो है वो देवदत्त के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इन दोनों में समान अधिकरण के द्वारा अर्थ को बताया गया। इसी तरह से तत्त्वमसि, अब तत्त्वमसि वाक्य है, तत् और ये त्वम, ये दो शब्द हैं। तत् शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, वो किया गया है परोक्षत्व आदि विशिष्ट, यानी कि जो परोक्षत्व आदि जो विशिष्ट हैं, विशिष्ट शब्द के वाचक हैं, उसके लिए तत् पद के लिए प्रयोग किया गया है, और त्वम पद अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट से युक्त जो है, अपरोक्षत और तत् में ये थोड़ा सा जान लो, यह परोक्षत्व आदि प्रयोग किया गया। तो परोक्षत्व आदि से तात्पर्य सर्वज्ञत्व नियंत्रित्व, आदि से युक्त जो चेतन है, परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य, तत्पदम यानी कि जो तत्पद है वो परोक्षत्व सर्वज्ञत्व नियंत्रित्व आदि से युक्त जो चेतन है उसके लिए प्रयोग किया गया है, और त्वम पद अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्व और नियम्यत्व, इनसे विशिष्टता से युक्त जो चेतन है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तत् त्वम असि, यानी कि तत् वह तुम ही हो या तुम वही हो, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन तत् पद जो है दोनों जो है प्रवृत्ति निमित्त है, याद रखना तत् और त्वम ये दोनों क्या है, प्रवृत्ति निमित्त है, लेकिन इनका जो आधार है, तात्पर्य है इनका, वो क्या है, चैतन्य है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। यहां पर जो तत्पद है वो परोक्षत्व सर्वज्ञत्व नियंत्रित्व, हमने जो समष्टि और व्यष्टि के रूप में जानने का प्रयास किया था, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। परोक्षत्व सर्वज्ञत्व नियंत्रित्व ये समष्टि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, या चैतन्य के रूप में, विशेष चैतन्य के रूप में ऐसे मान के चलिए, और त्वम पद का जो प्रयोग परोक्षत्व अल्पज्ञत्व नियम्यत्व ये व्यष्टि के चैतन्य के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रवृत्ति निमित्त है, अर्थात ये दोनों के लिए अलग अलग प्रयोग किया गया है, तत्पद इसके लिए अलग है, त्वम पद इसके लिए अलग है, लेकिन इन दोनों का जो आधार है वो चेतन है, तात्पर्य क्या है इसका, चेतन, चेतन को ही समझाना है। इसलिए इन पदों के द्वारा, तत् और त्वम पदों के द्वारा ये चेतन को बताया गया है,
अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म की भी चर्चा इसमें इन दोनों पदों के द्वारा की गई है, और वो कौन सा प्रयोग लगेगा, सामानाधिकरण के द्वारा। ठीक है, इतनी सी चर्चा है इसको, इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे समझाया है, पता नहीं आपको कितना समझ में आया होगा। यहां साह शब्द के द्वारा भी देवदत्त का प्रयोग किया गया है, और अयम शब्द के द्वारा भी देवदत्त का प्रयोग किया है। आधार क्या है दोनों का, आधार देवदत्त ही है। ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त भूतकाल और वर्तमान काल अलग अलग भिन्नता होगी इनमें। ऐसे ही तत्पद के द्वारा भी चैतन्य है, और त्वम पद के द्वारा भी चैतन्य का प्रयोग किया गया है। ये इनका दोनों का चैतन्य क्या हो गया, आधार हो गया, अर्थात इन दोनों से इनका तात्पर्य हो गया। ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त अर्थात दोनों शब्दों का जो पद है उनको भिन्न भिन्न प्रयोग किया गया है, परोक्षत के लिए, अपरोक्षत के लिए। परोक्षत क्या है, उस चैतन्य को हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, इसलिए इसमें परोक्षत्व का प्रयोग किया गया है, अर्थात उनको प्रमाणों के द्वारा ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। दूसरी चीज, यहां पर अपरोक्षत्व क्यों लगाया गया, जो मेरा शरीर है वो शरीर को जानने के लिए परोक्षत्व तो हो नहीं सकता, अर्थात शरीर तो स्वयं ही जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष शब्द क्यों नहीं लगाया गया, कभी कभी मन में आ जाता है कि प्रत्यक्ष क्यों नहीं लगाया गया इसके लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष जैसी शब्द प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यक्ष में इंद्रियों से ज्ञान होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब परोक्ष में इंद्रियों से ज्ञान हो ही नहीं सकता, अपरोक्षत्व में इंद्रियों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं जाना जाता है। प्रत्यक्ष में हमेशा याद रखना, बिना इंद्रियों के सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों की निकटता के कारण जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मेरा शरीर है इसको जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां पर परोक्षत्व का प्रयोग किया गया है। आशा करूंगा दो तीन चीजें यहां मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको समानाधिकरण ने समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो सकता है ये पूरा ना हो पाए अगले वीडियो में हो, लेकिन पदार्थ विशेषण को समझ लिया आपने तो अगला वाला तो समझ में आ ही जाएगा। इसको और देख लेते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं है, एक बार देखना, कमेंट करना इसको, मैं अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को हटा करके दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा। आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, ये 100% समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में आएगा। प्रवृत्ति निमित्त अगर आपके समझ में आ गया, जब दो भिन्न शब्द हों और वो प्रवृत्ति निमित्त हों, यानी किसी दूसरों के लिए प्रयोग हो रहे हों, लेकिन उनका तात्पर्य किसी एक के लिए हो, किसी एक को समझाने का प्रयास कर रहे हो, वो प्रवृत्ति निमित्त के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, सामानाधिकरण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आशा कर बैठा हूं मैं। पदार्थ यो विशेषण विशेष भावा, वो तो था पद के द्वारा, यह है पदार्थ के यानी वाचार्थ के द्वारा विशेषण विशेष भाव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें वही है, सो अयम देवदत्ता, ये आपका उदाहरण सभी जगह चलेगा, इसमें भी आएगा। अब यहां पर सा शब्द है और अयम शब्द है, विशेषण विशेष्य भाव की चर्चा की जा रही है। इनके पद के अर्थों में अब यहां देवदत्त से यहां पर यहां कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि देवदत्त को विशेषण विशेष भाव के द्वारा समझाया जा रहा है। ऐसे तत्त्वमसि जब प्रयोग किया जाएगा, तत् और त्वम शब्दों के विशेषण विशेष भाव हो जाएंगे, कभी तत् विशेषण बन जाता है, कभी त्वम विशेषण बन जाता है, कभी त्वम विशेष बन जाता है, कभी तत्व विशेष बन जाता है। साहा और अयम, जब इसके द्वारा जो प्रयोग किया जाए, जैसे वह यही है, अब यहां पर समझना देवदत्त को हटा दिया है, क्योंकि इसमें हमें समझ में आ रहा है कि यही है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वह यही है,
तो वह शब्द जो हो गया वो विशेष्य हो गया। वह यही है, विशेषण हो गया यही। विशेष्य और विशेषण, वह यही है, इस तरह से बोला जाए तो इस तरह से वो संबंध बन जाता है। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे कर दिया जाए, यह वही है, अब यह प्रयोग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तब वह पर ध्यान दिया जा रहा था। विशेष्य और विशेषण में यही होता है, विशेषण थोड़ा विशेष को पहचान कराने के लिए काम करता है। जैसे हम जानते हैं विशेषण के बारे में, गाय बोल दिया जाए तो आप किसी भी गाय को ले आएंगे, लेकिन जैसे ही कर दिया जाए कि नीली गाय ले आइए, काली गाय ले आइए, तो काली ने इस गाय की पहचान करा दी, कौन सी गाय लानी है, विशेषता तो हटा दी, विशेषता भूल जाइए इस समय, क्योंकि काली गाय को यहां समझा नहीं रहे हैं। काला शब्द यहां प्रयोग नहीं किया, नील कमल में विशेषण विशेष भाव होता है, लेकिन ये विशेषण विशेष भाव कुछ अलग है, उससे भी बताएंगे कभी, इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो यहां उद्देश्य है जो विशेष है उसको दर्शाने वाला, उसको प्रयुक्त कराने वाला जो शब्द बन जाएगा वो विशेषण बन जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ की जो चर्चा कर रहे हैं, पदार्थ यानी पदार्थों को, पद के वाच्यार्थ यानी जो वाच्यार्थ है, जो अभिधा है, अभिधा जिसके मुख्यार्थ एक ही नाम है सबरे, उसके द्वारा विशेषण विशेष भाव जो निकले, अर्थ निकले, तो वो निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करने लगते हैं, अर्थात उससे अर्थ निर्गुण ब्रह्म का निकल आता है। तो यहां पर सह और अयम की जो चर्चा की गई है, यह वही है, वह यही है, तो वह शब्द जो प्रयोग किया जाएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, यहां से कर बैठा हूं, वह शब्द वह यही है, वह यहां विशेष्य पे पहुंच गए, वह यही है, यानी इसके द्वारा उसको यहां पहचाना जा रहा है। तो विशेषण के द्वारा विशेष्य को जाना जा रहा है, पहचान हो रही है। तो यहां पर विशेष्य और विशेषण भाव संबंध इसमें ऐसे हो गया। जब यह बदल जाएगा कि यह वही है, अब वर्तमान में आ गई, यह तब भूतकाल में थे, भूतकाल में चले जाइए तो विशेष वो बन जाएगा, वर्तमान में आ जाएंगे तो विशेष बदल जाएगा, यह वही है अब हमारे सामने है, विशेष उसकी पहचान कर रहे हैं किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो ये विशेष हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा। इन विशेष और विशेषणों के द्वारा किसको पहचाना जा रहा है, देवदत्त को, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, ये दोनों विशेष विशेषण हो जाते हैं, विशेषण विशेष हो जाते हैं, बदल जाते हैं आपस में, लेकिन परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान में और किसमें, भूतकाल में जब पहुंच जाते हैं तो वो चीजें बदल जाती है। इसकी व्याख्या आप संस्कृत में देख सकते हैं, मैं वर्तमान और भूतकाल का प्रयोग हिंदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा ही बोला गया और कुछ नहीं है उसमें। अब यहां पर इसको तत्वमसी को थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, इसको रहने दिया जाए, समझ में आ जाए शायद आपकी, थोड़ा सा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तत् और त्वम, ये दो हैं, तत्त्वमसि यानी कि तुम वही हो, या वह तुम ही हो, ये दो अर्थ हैं। इसमें बिल्कुल यही नियम लगता है, इसलिए पहले लौकिक उदाहरण लिया गया है, उसके बाद में वेद के महावाक्य को लिया गया है। तुम वही हो, तत् त्वम असि, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह तुम ही हो। तो दोनों में विशेषण विशेष भाव हो जाता है, कभी कोई विशेषण बन जाता है, कभी कोई विशेष बन जाता है। इसमें बोला जाएगा तुम वही हो, तो तुम पर जोर दिया जा रहा है, पहचान तुम की जा रही है, इसलिए विशेष हो जाएगा।
और वही हो उससे तुलना की जा रही है, यानी उसके द्वारा तुम की पहचान की जा रही है, तुम की, तो वह क्या बन जाएगा। अब इसमें दो चीज हैं, वहां तो था वर्तमान काल और भूतकाल से संबंध, यहां पर याद रखना है परोक्षत्व आदि अपरोक्षत्व आदि का प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर जो तुम शब्द का प्रयोग किया गया है, तुम, तो तुम शब्द में अपरोक्षत्व, अल्पज्ञत्व और नियमित्व, इनकी विशेषताओं से युक्त जो चैतन्य है उसकी चर्चा की जा रही है। तो जो विशेषताओं से युक्त है चैतन्य, वह तुम वही हो, यानी कि परोक्षत्व और सर्वज्ञत्व, नियंत्रित्व आदि विशेषताओं से युक्त जो चैतन्य है वही तुम हो, तो तुम वही हो। उसके द्वारा इसमें व्यावर्तक प्रयोग किया, व्यावर्तक ना निवारक, एक शब्द निवारक प्रयोग किया गया है, इसलिए तुम शब्द विशेष हो गया और ये विशेषण हो जाएगा। इसको यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने ध्यान ना दिया और एक बार दो बार इसको नहीं देखा तो समझना कठिन हो जाएगा, बिल्कुल कठिन हो जाएगा। अब इसमें तुम, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, यहां किस पे जोड़ दिया जा रहा है, यहां वह को सिद्ध करने पे जोड़ दिया जा रहा है, और पहचान कौन करा है, तुम ही, यानी कि जो परोक्षत्व है और सर्वज्ञत्व है, नियंत्रित्व है, नियंत्रित्व से युक्त जो चेतन है वह तुम ही हो, यानी अपरोक्षत्व, अल्पज्ञत्व, नियमित्व, विशेषताओं से युक्त चेतन है, अर्थात ये यहां पर विशेष बनेगा और ये विशेषण। इस तरह से इसमें विशेषण विशेष भाव संबंध होगा, लेकिन किसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य को, ठीक है। इस तरह से यहां पर पदार्थ में, पद के अर्थों में यानी वाचार्थ में विशेषण विशेष भाव संबंध होता है, कभी कोई संबंध विशेषण बन जाता है, कभी कोई विशेष बन जाता है। आशा करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें ज्यादा नहीं है, और यदि आपको और भी इससे अच्छे से समझाना आता हो किसी मित्र को, तो थोड़ा सा कमेंट में बड़ा लिख दे, लिख के फिर उसको समझाने का प्रयास करें, जिससे कि समझ में और अच्छे से किसी को आ सके। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई है तो मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करें। अब थोड़ा सा और समय लेकर के हम इसको और देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों हमने समझ लिए हैं, पुस्तक लेकर के, क्योंकि मैंने इसको हिंदी में समझाया है और बोला भी है जगह जगह, लेकिन आप पुस्तक के सहारे अगर पढ़ेंगे तो ये आपकी बातें बिल्कुल समझ में बैठती चली जाएंगी। इसी तरह से इसमें भी मैं हिंदी में ही समझाने का प्रयास करूंगा, अगर संस्कृत लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रत्येक आत्मा और पद के वाचार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है, ठीक है ना, लक्ष्य लक्षण संबंध होता है। अब लक्ष्य लक्षण, लक्षणा अविधा, अविधा व्यंजन लक्षण, ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर तीन प्रकार की लक्षणा में बांट सकते हैं इसको। नंबर एक है जह लक्षण, ठीक है, दूसरा है और तीसरा है ये अंतिम है, और इसको अगर जान लिया तो ये आपके सब बातें समझ में आ जाएंगी एक बार में, फिर इसमें समस्या नहीं रहेगी। यहां पर
जो लक्ष्य लक्षण की बात कही है, लक्ष्य लक्षण की, उसमें याद रखना है दो चीजें इसमें हैं। एक है तत् त्वम असि, इसमें कुछ पद हैं उनका विरुद्ध जो अंश है, उनके पद में जो विरोधावासी है उस अंश का तो त्याग किया जाता है, और जो अविरुद्ध है, अविरोध है जिसमें, उस पद को यहां पर ग्रहण किया जाता है। इसलिए कुछ का छोड़ देना और कुछ का ग्रहण करना ही लक्ष्य लक्षण के अंतर्गत आता है। अब मैं यहां समझाऊंगा तो वो आता आपको समझ में आ जाएगी। जहद लक्षणा, उदाहरण वही है, सोयम देवदत्ता, ठीक है, यही उदाहरण है। और तत्त्वमसि हम जान ही रहे हैं। जहद लक्षणा, लक्षणा की एक भाग है, अजहद लक्षणा भी है और जहद जहद लक्षणा भी है। अब ये क्या है थोड़ा जान लीजिए। जहद लक्षणा में बोला जाता है, जहद मतलब इसका तात्पर्य है छोड़ देना, कोई शब्द है, कोई वाक्य है, उसमें जो वाचार्थ है उसका पूर्ण रूप से जो प्रत्याग कर दे, प्रत्याग करने के बाद दूसरे अर्थ से संबंध जो जोड़ लेता है वाचार्थ, उसी से जहद लक्षणा की जानकारी या जहद लक्षणा माना जाता है, ये मान के चलिए, ठीक है। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा में अहीरों का गांव, मोहल्ला, कस्बा कुछ ही मानिए, यहां मुख्य ये नहीं है, मुख्य ये है गंगायाम। अब गंगा जो शब्द है उसका जो वाचार्थ निकल रहा है वो गंगा मतलब गंगा की जो धारा है, पानी है, वो वाच्यार्थ निकल रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं जहद लक्षणा, यानी कि वो वाच्यार्थ का पूर्ण रूप से त्याग कर करके किसी अन्य अर्थ के लिए, अन्य अर्थ से जो संबंध जोड़ लेती है वो जहद लक्षणा के अंतर्गत आता है। तो ये गंगाया शब्द है, इसका जो जो वाच्यार्थ निकल रहा है वो गंगा की धारा हो सकता है, गंगा हो सकता है, गंगा पानी हो सकता है, जो भी अर्थ लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ यहां ना लेकर के गंगा तट प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। गंगाया तट, अर्थात गंगा का जो तट है, गंगा का जो किनारा है, तो किनारा शब्द गंगा के रूप में यहां प्रयोग किया गया है। तो यहां पर वाच्यार्थ था गंगा, लेकिन जो लक्ष्यार्थ हो गया लक्षणा के द्वारा या जहद लक्षणा के रूप में प्रयोग किया गया, गंगा का किनारा तट। तो इस तरह से यहां जहद लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर स्वयं देवदत्ता ऐसा यहां पर कुछ भी नजर नहीं आता कि यह वही देवदत्ता है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा, नहीं कुछ भी नहीं लिया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं कर संपूर्ण छोड़ करके इसमें प्रयोग किया जाए। तो लक्षणा कौन सी होगी इसके लिए यहां प्रयोग किया गया। दूसरा है अजहद लक्षणा, अजहद लक्षणा का तात्पर्य क्या होता है, जो वाच्यार्थ है वाक्य में उसको बिना त्यागे किसी अन्य को भी ग्रहण कर लेना, अजहद का मतलब न छोड़ करके दूसरों को भी ले लेना, यानी उपादान लक्षणा के अंतर्गत आता है। इसको लक्षण लक्षणा भी बोलते हैं, जहद लक्षणा को क्या बोलते हैं, लक्षण लक्षणा। ये याद रखना, इसमें से 100% 100% एक प्रश्न अवश्य बनता है, लक्षण लक्षणा ही बोलते हैं। अजहत लक्षणा है शोणो धावती, मतलब लाल दौड़ता है, तब लाल तो दौड़ नहीं सकता, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, उपादान करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, ठीक है। तो शौण धावती, किसी ने पूछा किसी व्यक्ति से कि कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, घुड़दौड़ चल रही है, तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है ऐसा ना बोल करके उसने कहा कि लाल दौड़ रहा है, क्योंकि पहले ने पूछ लिया कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसने उत्तर जो दिया वो लाल शब्द प्रयोग कर दिया, लाल दौड़ रहा है। तो उसका अर्थ हमको क्या लगाना है, यहां पर उपादान क्या करना है, घोड़े का उपादान करना है। तो शौणो धावती, तो शौणो अश्वधावती,
अश्व के लिए यहां पर उपादान करना, ग्रहण करना, लेकिन ना तत्त्वमसी में ना स अयम देवदत्त में यहां पर कोई भी ग्रहण नहीं किया रहा, कोई भी नहीं ले रहा, यह अपने आप में पूर्ण है। यहां पर कुछ भी ना छोड़ा जा रहा ना लिया जा रहा है, ठीक है। अब आता है जहत अजहत लक्षणा, यानी कुछ अंश को छोड़ना और कुछ को ग्रहण करना, यह मतलब है इसका, उसको जहत जहत लक्षणा बोला जाता है। एक अंश का त्याग कर देना और एक अंश को ग्रहण कर लेना जहत जहत लक्षणा कहलाता है। तो इसमें उदाहरण यह है, सोयम देवदत्त। अब सो अयम देवदत्त में ऐसी कौन सी चीजें जिसको छोड़ा जाए, तो सह और अयम मैंने बताया है कई बार, दो तीन बार बता चुके हैं, और अयम, ये दोनों जो हैं वो भूतकाल और वर्तमान काल, इनके विरोधाभासी में इन दोनों को प्रयोग किया गया, विरुद्ध हैं ये दोनों एक दूसरे के, उन अर्थों में प्रयोग किया गया, भूतकाल के लिए सह और अयम वर्तमान काल के लिए, इन दोनों में विरोध है, क्योंकि एक भूतकाल है एक वर्तमान काल है, तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, इनको एक कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इनको बिना जाने, याद रखना हमने जो विशेषण विशेष जाना और सामान्य अधिकरण जाना, बिना इसको जाने जहद लक्षण जहद जहद लक्षण को जाने बिना इन दोनों के अर्थों को हम नहीं प्रयोग कर सकते। तब इससे हमें पता चलता है कि जो भूतकाल और वर्तमान काल है जो वृद्ध अंश है उनको त्याग देगा, ये कौन त्याग देंगे, सह और अयम इन शब्दों के वृद्ध है उनको त्याग देंगे, और जो एक पद लेना है इसमें ग्रहण करना है एक अंश, वो देवदत्त है, इसको ग्रहण किया जाएगा यानी इसको लिया जाएगा, तब यह जहद जहद लक्षण के रूप में प्रयुक्त होगा। इसको भाग लक्षणा भी बोलते हैं, या भाग और भाग त्याग लक्षणा। थोड़ा सा एक बार और बता दूं इसको, थोड़ी सी इसमें गलत हो गया होगा शायद, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज लगा दी थी, जहद अजहद लक्षणा, यानी कि एक अंश एक वृद्धांश को त्याग करता है, क्योंकि भाग त्याग लग रहा है, ये किसी को ग्रहण नहीं करता, जो कुछ फिर बचेगा, क्योंकि सहस और अयम शब्द भूतकाल वर्तमान काल के साथ साथ देवदत्त को भी तात्पर्यात्मक है, अर्थात देवदत्त को भी बताते हैं, तो भूतकाल और वर्तमान काल ये जो वृद्ध अंश हैं इनको तो त्याग देगा, लेकिन जो बचा इसके बाद में जो कुछ अंश बचा, कौन सा अंश बचा, देवदत्त बचा, उसको यहां पर ले लेगा। तो स अयम देवदत्त जहद जहद लक्षणा के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। आप बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको भाग लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं। अब यहां पर आ जाइए उदाहरण पर, हम अपने पे तत्त्वमसि, तत्त्व और त्वम, इसके अगर ये भी समझ लिया तो भी आपको ऊपर की सब बातें समझ में आ जाएंगी। तत्त्व जो शब्द है वो जो पद है वो किसके लिए दर्शा रहा है, वो परोक्षत्व नियंत्रित्व और सर्वज्ञत्व जो चेतन है उसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, परोक्षत्व सर्वज्ञत्व और नियंत्रित्व इसके लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा ये त्वम है वो अपरोक्षत्व, और ये अल्पज्ञत्व, दूसरा है नियमित्व, इसके लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन इनके साथ साथ ये चैतन्य के लिए प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देना, यानी तत्शब्द परोक्षत्व सर्वज्ञत्व नियंत्रित्व चैतन्य के लिए, त्वम जो पद है वो परोक्षत्व अल्पज्ञत्व नियमित्व चैतन्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो विरोध का जो अंश है, विरोध अंश कौन सा है, वो है परोक्षत्व सर्वज्ञत्व नियंत्रित्व, परोक्षत्व अपरोक्षत्व अपगत्व नियम, तो ये दोनों तत्व और त्वम में वृद्ध हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत में है, वो सर्वज्ञत्व के लिए दर्शाता है तो वो अल्पज्ञत्व दर्शाता है, तो इसको छोड़ करके इसको त्याग करके वो केवल तत्व और त्वम चैतन्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। तत्व त्वम असि, तुम चैतन्य हो वही चैतन्य हो, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इन दोनों को त्याग देगा।
तब इसका अर्थ जो निकलेगा वो जहद जहद लक्षणा के अंतर्गत आने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इस जहद जहद लक्षणा संबंध के द्वारा तत्त्वमसि जो वाक्य है उसका जो अर्थ है वो निर्गुण ब्रह्म के लिए दर्शाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपको कितना समझ में आया हो कितना ना आया होगा ये मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट के माध्यम से समझाएंगे और मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है आपको सही से समझ में आ जाए। संस्कृत अगर आप थोड़ा सा और इसमें किताब लेकर के बैठे हैं और संस्कृत को पढ़ते जाएं तो शायद आपको एक बार में समझ में आ जाए। मैंने कुछ संस्कृत का प्रयोग किया है, बाकी उसको अर्थ हिंदी में ही लगाने के बाद प्रयोग किया है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा, एक नहीं दो बार में अवश्य आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।